नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आज बात स्वागत की नहीं होगी। वक्त हो गया है हमारे खास शो अलार्म का, जहां जनता की आवाज उठाते हैं हम, जिम्मेदारों से मांगते हैं जवाब, क्योंकि अब नहीं चलेगी हीला हवाली, नहीं होगी टाल मटोल, अब नहीं चलेंगी बातें गोलमोल। आज बात करेंगे पानी की कहानी की, वो पानी जो जहर है लेकिन उसे पीना मजबूरी है। फ्लोराइड, नाम तो सुना ही होगा। फ्लोरीन परिवार का सदस्य जिसके बारे में 1940 में खोज लिया गया, इसकी अधिकता घातक होती है। आज है साल 2024, कई सवाल जवाब नहीं खोज पाए हैं। भारत समेत 22 से ज्यादा विकासशील और विकसित देशों में भूजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है। इनमें से 19 राज्य ऐसे हैं जो फ्लोरोसिस के चलते गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब जरा देश के आंकड़े जान लीजिए। भारत के 19 राज्यों के 230 जिलों और 14,132 बस्तियों की बड़ी आबादी धीमे धीमे मौत से बदतर स्थिति की तरफ सरकती जा रही है। इसीलिए जरूरी है यह अलार्म। कहा जाता है जल ही जीवन है, मगर यही जल अगर दूषित हो जाए तो इसे मौत की वजह बनने में देर नहीं लगती। प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्रामीण धीमे जहर को पीने के लिए मजबूर हैं। आज हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी गांव की, जहां पर फ्लोराइड वाले पानी ने कई लोगों के घरों को उजाड़ दिया है और कईयों के तो घर बस ही नहीं पाए। रिपोर्ट देखिए। सालों पुराना दंश कैसे बढ़ेगा वंश? साहब, हम लोग बचपन से फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं। इस कारण हमारे नई सिंगोड़ी के 99% लोगों के लड़के लड़कियों के दांत नाली मिलेंगे आपको। जीना है इसलिए मजबूरी में जहर पीना है। फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही है। अभी अभी जांच कराए दो लोगों ने सिंगोड़ी में, उसमें एक को 5% कैंसर पाया गया और एक को 10%। पानी रे पानी, ये कैसी कहानी? वो पानी के कारण जो हम उम्र के लड़के जो भी हैं, लड़का या लड़कियां जो भी, उनके दांत सभी के इसी टाइप के मिलेंगे। जवानी में बूढ़ा बना देता है पानी। मेरे खुद के दांत देखिए आप, पीले हैं। ऐसे पूरे हमारे बच्चे यहाँ की बच्चियों की शादियों में होने में दिक्कत होती है, इसलिए होती है क्योंकि उनके दांत खराब होते हैं। ये कहानी है उस जहर की जो लोगों की रगों में पानी के जरिए पहुंच रहा है और नतीजा है लोगों के दांत पीले होना। गांव में 99% लोग फ्लोराइड से पीड़ित हैं। छिंदवाड़ा जिले का सिंगोड़ी क्षेत्र फ्लोराइड की समस्या से जूझ रहा है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर रसूखदार तक, बावजूद इसके यहाँ साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता। 30 साल गुजर चुके हैं इस दंश को झेलते हुए। पानी पीने से हमारे यहाँ कुछ बच्चे भी अपाहिज पैदे हुए हैं फ्लोराइड की वजह से। हमारे घर में जो बच्चे हुए हैं वो अपाहिज पोलियो ग्रस्त हो गए पानी के कारण। पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि लोगों की हड्डियां गल चुकी हैं। गांव के हर परिवार में कोई ना कोई फ्लोरोसिस की बीमारी से पीड़ित है। सिंगोड़ी में शायद ही कोई ऐसा शख्स बचा होगा जिसके दांत साफ हों। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई पीड़ित है। फ्लोराइड वाले पानी ने कई घरों को जाड़ दिया तो कईयों के घर तक बस ही नहीं पाए। यहाँ की बच्चियों की शादियों में होने में दिक्कत होती है, इसलिए होती है क्योंकि उनके दांत खराब होते हैं। हर परिवार की बच्चे बच्ची इतना सक्षम नहीं है कि वो केपिंग लगा ले जो दांतों में लगता है, तो उसमें भी खर्चा आता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सामाजिक कुरीति के रूप में हो गया हमारे यहाँ फ्लोराइड, जिसकी बहुत बड़ी मार यहाँ का एक एक आदमी झेल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचई विभाग के अधिकारी आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पानी का सैंपल लेते हैं और चले जाते हैं। ये सिलसिला सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। आवाज बहुत उठी, इसके प्रति धरना भी दिया गया, भूख हड़ताल भी की गई, लेकिन शासन प्रशासन से बस आश्वासन मिलता और उसके बाद ये भी सुना ही आया था कि डेथ मौत भी हुई है। हुई है कई मौत, हमारे पहले भी जो हम पैदा नहीं हुए होंगे उसके पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी। ये हैं सिंगोड़ी पंचायत के सरपंच, जो खुद भी फ्लोरोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं। सरपंच साहब का पूरा परिवार भी इसी से पीड़ित है।
दांत दिखाएंगे ना आपकी, ये सारे फ्लोराइड से, आप सरपंच हैं, आप भी पीड़ित हैं, आपका परिवार भी पीड़ित है। गाँव के लोग जो पानी पीते हैं उसमें 17 मिलीग्राम प्रति लीटर फ्लोराइड की मात्रा है जो बहुत खतरनाक है। लोग परेशान हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले, न्यूज 18। कब कैसे कितनी मात्रा फ्लोराइड की घातक हो जाती है, धीरे धीरे कितना ये घातक होता जाता है, कितनी बड़ी परेशानी, वो आपको बहुत आसान शब्दों में अब हम समझाने वाले हैं। ये आपको बताएंगे कि किस तरह से पानी जानलेवा धीरे धीरे होता जाता है। देख लीजिए, 0.5 मिलीग्राम दांत कमजोर, 0.5 से 1.5 मिलीग्राम ये मात्रा सही, 1.5 से 4 मिलीग्राम डेंटल फ्लोरोसिस दांत पर असर। अभी रिपोर्ट में आपने दांत देखे ना, ऐसा लगता है सब गुटखा खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 4 से 10 मिलीग्राम डेंटल स्केल्टल फ्लोरोसिस हड्डियों पर असर, अभी नहीं समझ में आता है, उम्र के बाद पता चलता है। 10 मिलीग्राम से ऊपर हड्डियों में कमजोरी, ये आलम है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 14,000 से ज्यादा इलाके हैं पूरे भारत में, हम सिंगोड़ी की बात कर रहे हैं, इसे सिंगोड़ी के जरिए समझिए। ये आपने देख लिया, अब सिंगोड़ी में स्थिति देख लीजिए, 17 मिलीग्राम प्रति लीटर है, मतलब सिंगोड़ी की स्थिति समझिए कितनी विस्फोटक स्थिति वहां पर है। ये स्थितियां हैं फ्लोराइड की, ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं किन स्थितियों में क्या परिस्थितियां बनती है, और सिंगोड़ी की स्थिति है 17 मिलीग्राम वहां पर है। तो यही स्थितियां हैं, साल दर साल 3 दशक गुजर चुके हैं, कई दशक गुजर चुके हैं, सरकार बदल गई, मैंने आपको कहा ना 1940 में इसे खोज लिया गया था, लेकिन नहीं बदलते हैं तो गांव के हालात, आज भी लोगों को जहर वाले पानी से निजात नहीं मिली है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते लोगों की चप्पल घिस गई, मजाल है कि कोई इन लोगों की परेशानी को समझ सका हो। लोग थक चुके हैं, निराश हैं, वो मान चुके हैं कि जो किस्मत में लिखा है उसे बदल नहीं सकते। समस्या बड़ी है, समाधान के लिए पंचायत से जिला पंचायत और फिर भोपाल तक आवाज पहुंची, तो समाधान के लिए फिल्टर प्लांट लगाने के लिए राशि स्वीकृत की गई। साल 2008 में स्वीकृति मिली, साल 2010 में फिल्टर प्लांट बनकर तैयार हुआ, कुछ समय तो ये प्लांट चला लेकिन बाद में इसका भी दम घुट गया और ये बंद हो गया। ये योजना लगभग 2,90,00,000 रुपए की है, पीएचई वालों ने किस मार्गदर्शन में बना वो सब फेल है। टंकी का पानी, जो टंकी बनी है वो टंकी चालू नहीं है, जिससे गाँव वालों से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्लांट की कहानी पंचायत और पीएचई विभाग के बीच फंसी हुई है। विभाग का दावा है कि प्लांट पंचायत को सौंप दिया गया, उधर सरपंच का कहना है कि पानी को साफ करने की पीएचई विभाग की तरफ से सामग्री नहीं दी जा रही। जो पानी को साफ करने के लिए जो जो सामग्री लगती है वो पीएचई विभाग हमें उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, क्योंकि पानी बहुत गंदा है, पैच का पानी हमें यहाँ तक लाना पड़ता है हमारे फिल्टर प्लांट का, और उसमें जो सामग्री उपलब्ध नहीं होगी तो पानी कैसे साफ होगा। तो वर्तमान में बंद की स्थिति में है, और उसके साथ साथ विभाग ने कभी हमसे आके संपर्क नहीं किया, हमने एक दो बार उनसे निवेदन किया, वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क किया। तस्वीरों में दिख रहा है ये वही प्लांट है जो पानी को साफ करने के लिए लगाया गया था। कुछ दिनों तक तो लोगों को साफ पानी मिला, लेकिन अब ये प्लांट दो विभागों में उलझकर दम तोड़ चुका है। यहाँ के सरपंच, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोगों का कहना है कि तकनीकी खराबी आ रही है जिसकी वजह से प्लांट लगभग बंद कर दिया गया है। इस प्लांट के बंद होने के बाद सिंगोड़ी के लोग, जो कुछ लोग जो हैं वो कुएं का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो आज भी हैंडपंप के पानी का या नलकूप के पानी का उपयोग कर रहे हैं, नतीजतन उनके दांत खराब हो रहे हैं, हड्डियां उनकी गल रही है। हालात बेहद खराब है लेकिन जिम्मेदार बेखबर है। मंत्री संपतिया उइके को तो जानकारी तक नहीं, आप खुद सुनिए। फ्लोराइड सक्सेसफुली जहाँ पे हमने तो ये कहा है कि जहाँ पे भी हैंडपंप फ्लोराइड है, जो भी हैंडपंप से फ्लोराइड वाली पानी आती है तो उसको हम लोगों ने बंद कराया है, और फ्लोराइड के पानी कोई भी ना पिए, ये मेरे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। डॉक्टर्स की माने तो लगातार फ्लोराइड वाला पानी पीने से दांत ही नहीं बल्कि कई बीमारियां लोगों को हो सकती हैं, ये पानी नहीं जहर है। आपके जो दांत की जो पूरी जो वाइटनेस है वो खत्म हो जाती है, येलोइश हो जाते हैं और दांत कमजोर हो जाते हैं, फिर उसके दिक्कत के कारण कई लोगों को बहुत सारा डेंटल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। वो तो दांत में तो हमको दिखता है लेकिन फ्लोराइड चूंकि पूरी बॉडी में असर डालता है,
आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी हड्डियां बहुत कमजोर फ्रेजाइल हो जाएंगे, वो जरासीम में फ्रैक्चर हो जाया करेंगी, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन होने लगते हैं। ये मतलब बहुत ही बहुत डेंजरस कंडीशन है। सिंगोली पंचायत के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर है और मजबूरी कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जहर लोगों में घुल रहा है। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। संपतिया उइके को सुन रहे थे आप, उनका संघर्ष अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया, कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि हम वो हैंडपंप बंद कर देते हैं, पानी नहीं है उनके पास, क्या ऑप्शन है उस पर बात करिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्लोरोसिस से किस तरह की परिस्थितियां बनेगी, कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं। आप जान लीजिए, फ्लोराइड अगर ज्यादा है, दांतों में पीलापन, आंत की समस्या आ सकती है, भूख कम लगना, पैरों में दर्द हो सकता है, डायरिया भी हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी आती है, ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना, जवानी में बुढ़ापा, इस तरह के लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। डॉक्टर को आपने सुना, डॉक्टर का कहना है चूंकि दांत दिखता है, विजिबल है, इस वजह से असर आपको पहले समझ में आ जाता है, आपको ये लगता है कि हां ये फ्लोराइड की वजह से हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वो कितना गंभीर हो जाता है और कैसे उसे पहचानना है, ये आप इसके जरिए देख सकते हैं। दांतों में पीलापन, आंत की समस्या, भूख कम लगना, पैरों में दर्द, डायरिया, मांसपेशियों में कमजोरी, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, इस तरह के सिम्टम अगर आपको है तो आपको भी पानी को जरूर चेक करना है। चुनाव में वादा और वोट का सहारा, हर बार यही होता आया, लोग अब इससे ऊब गए हैं। 23 साल की समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं। मंत्री जी कहते हैं निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द घर घर पानी पहुंचा देंगे, पहले शुद्ध पानी दीजिए, उसके बाद नल से जल की बात करिए। के पानी कोई भी ना पिए, ये मेरे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। फ्लोराइड का पानी कोई ना पिए तो आप ही बता दीजिए, लोग पानी पीना बंद कर दें। ट्यूबवेल करा रहे हैं और ट्यूबवेल वहां करा रहे हैं जहां पे पानी की संभावना है, जिससे हम लोगों ने अभी ट्यूबवेल के माध्यम से पानी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, लेकिन कब तक लगेंगे? जब तक बोरवेल नहीं लगेंगे तब तक लोग कैसे बिना पानी के रहेंगे? है कोई जवाब? घर घर जल पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, जिसके चलते अभी 2020 में स्टार्ट हुआ और दो अभी ये 2024 चल रहा है। हम लोगों ने 70,72,336 ऐसे घरों में हम लोगों ने जल पहुंचाने का काम किया है। निश्चित ही इस क्षेत्र में भी मैं पूरी हमारी बहनों को, हमारे ग्रामीण जन भाई बहनों को, सबको विश्वास दिलाती हूँ कि पीएचई मंत्री के नाते एक सेवक बन करके एक एक गांव में जाकर के जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां पानी पहुंचाएंगे, जहां बिजली नहीं पहुंचा वहां बिजली पहुंचाएंगे, जहां सड़क नहीं पहुंची वहां हम सड़क भी बनाएंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं। वाह मंत्री जी वाह, आपने तो गजब कर दिया। घर घर जल पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन कब तक? बस वादों में या फिर सपनों में? ये वादा वोट पाने के लिए है सिर्फ, उसके बाद कौन जनता और क्या वादा? पहले फ्लोराइड वाले पानी से तो मुक्ति दिला दीजिए मंत्री जी, आखिर कब तक ये लोग जहर वाला पानी पीते रहेंगे? लोग अपने हाल पर हैं, शिकायत और अर्जियां देते देते अब लोग थक चुके हैं, अब वो सरकार प्रशासन सबसे नाउम्मीद है। उन्होंने मान लिया है जो है वो वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। जनता, आसपास के क्षेत्र के लोग, विशेषकर सिंगोड़ी, फ्लोराइड के पानी की वजह से हम लोगों को साफ सुथरा और शुद्ध पानी नहीं मिल पाता। वर्तमान में हमारे पास 3 कूप हैं और कुएं हैं, उनके माध्यम से नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है। यानी अभी भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं कि समस्या का समाधान होगा या नहीं, सिर्फ एक उम्मीद है। सिंगोड़ी अकेला गांव नहीं है जो फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित है, ऐसी करीब 20 पंचायतें हैं जहां लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। वो टेक्निकल इश्यू है, उसमें वो असक्सेस हुआ है, वो जो ठेकेदार की लापरवाही के कारण है या पंचायत की लापरवाही के कारण है, वो फेल हो गया है। जो पुराना समय था इसमें लगता नहीं ठेकेदार पैसा इन्वेस्ट बेकार खर्च हुआ गवर्नमेंट? देखिए, वो गवर्नमेंट की तो मंशा बहुत अच्छी थी कि जो ग्रामीणों को लाभ मिले, फ्लोराइड मुक्त पानी मिले, लेकिन
उसके टेक्निकल इशू ठेकेदार की लापरवाही के कारण वो योजना फैल गई। कितने गांव हैं इससे प्रभावित सिंगोड़ी के आसपास? सिंगोड़ी के लगभग 20 पंचायत से फ्लोराइड से बंद। लोग परेशान हैं वर्षों से और कब तक परेशान रहेंगे कोई नहीं जानता। हालात ये है कि इस ओर ना तो पीएचई विभाग का ध्यान है और ना ही जनप्रतिनिधियों का। यही हालात रहे तो सिंगोड़ी वालों का कहना है कि वो एक दिन सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। हालांकि इस स्थिति को गुजरे हुए लंबा समय हो चुका है। राजेश करमेले, न्यूज 18, छिंदवाड़ा। और चलिए इस ही विषय की गंभीरता को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। डॉक्टर अंशुल राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल, फ्लोराइड वाला पानी, डॉक्टर साहब ये कितना किस हद तक ये घातक हो सकता है? जी प्लीज। देखिए जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए जी। फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में 0.521 ppm से ज्यादा पार्ट्स पर मिलियन अगर फ्लोराइड होगा तो ये फ्लोरोसिस कॉज करा सकता है। फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें वाटर में अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन जब भी ज्यादा होता है तो लोगों को फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस दांतों में पीलापन या ब्राउन स्टेनिंग क्रिएट करता है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स, जो यंग बच्चे आते हैं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है, उनका अपीयरेंस एकदम से सही नहीं दिखता है, वो खुलकर खिलखिलाकर हंसने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बच्चा संकोच करता है हंसने में, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता है। कई पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और वो ये बोलते हैं कि साहब हमारे बच्चे के दांत पीले हैं तो ये बाहर शादियों में नहीं जाते हैं या कोई सोशल फंक्शन में नहीं जाते हैं जी। क्योंकि इनको खुलकर बात करने में या बोलने में इनको शर्म महसूस होती है जी। तो ये फ्लोरोसिस है जी। जी डॉक्टर राय, इसके अलावा हालांकि ये जो समस्या है फ्लोराइड से जुड़ी समस्या है, अभी जब हम रिसर्च कर रहे थे तकरीबन 22 देश ऐसे हैं जहां बहुत बुरी तरह से ये समस्या है। कई जगह ये भी सामने में आया है कि कैंसर के चांसेस और इस तरह के कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हुए हैं। मैं विदेशों की बात कर रहा हूं, क्या हमारे यहाँ इस तरह के कोई मामले या आपने कभी सुना हो डॉक्टर राय? नहीं, हमारे यहाँ फ्लोरोसिस से कैंसर हुआ ऐसा तो केसेस रिपोर्टेड लिटरेचर में भी मेरे हाँ। ख्याल से तो मैंने तो अभी 25 साल से मैंने तो नहीं कभी डॉक्यूमेंट किया या डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा। फ्लोरोसिस से कैंसर का ऐसा कोई रिसर्च भी नहीं हुई है, ना कि इस तरीके के पेशेंट्स हमें देखने को मिले हैं जी। जी जी, एक और महत्वपूर्ण बात कि हड्डियों पर यह सीधे असर डालता है, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि ये बात ठीक है अपीयरेंस खराब हो जाना। कई गांव ऐसे हैं जहां ये अपीयरेंस इतना बड़ा सोशल मुद्दा हो गया है कि कोई बेटी ब्याहने को तैयार नहीं और वहां की बेटी लाने को कोई तैयार नहीं, इस तरह की सिचुएशंस हैं। लेकिन और ये कितना घातक होगा जब ये हड्डियों पर असर करे, परेशानी पैदा करे? जी डॉक्टर साहब, देखिए ये आज की पॉपुलेशन में या आज के सिनेरियो में हम बोले तो ये हमारे लिए बहुत ही एक दयनीय स्थिति है, या मैं कहूँ एक शर्म की बात है कि एक पर्टिकुलर जगह इतना सारा फ्लोराइड पानी में मिल रहा है, जहां पर आप कह रहे हैं कि लोग अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहते या जहां पर सामाजिक परेशानियां बहुत आ रही हैं। देखिए जॉइंट पेन इसके कारण हो सकता है, ये रिपोर्टेड है लिटरेचर में। आपने जैसा कि बताया कि लोगों को मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं जी। हम लोग फ्लोरिडेटेड पेस्ट पेशेंट्स को करने को बोलते हैं। जनरली मूलतः अगर देखा जाए तो सारे टूथपेस्ट में 1000 से लेके 1500 ppm पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड रखा जाता है। जहां पे छोटे बच्चों को आप अगर देखेंगे तो हम फ्लोरिडेशन का कार्यक्रम भी सरकार ने लागू किया है कि हम बच्चों के दांतों पे फ्लोराइड अप्लाई करते हैं ताकि उनके दांतों में कैविटीज ना हो, इनका जो इनेमल आए वो स्ट्रेंथन हो और उसमें आगे जाके सड़न पैदा ना हो। तो जॉइंट पेन हो सकता है और फ्लोराइड टूथपेस्ट ही बच्चों को और जो यंग बच्चे हैं उनको फ्लोरिडेटेड पेस्ट ही करना चाहिए।
ताकि उनकी कैविटीज कम हो और उनकी दांतों की समस्या कम से कम हो, कम से कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुल राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से विस्तार से उन्होंने बताया एक सॉल्यूशन की, जो फ्लोराइड वाले पेस्ट का वो जो जिक्र कर रहे थे, देखिए समस्या उससे खत्म नहीं होगी लेकिन काफी हद तक कम की जा सकती है। अलार्म में आज इतना ही, लेकिन फिर आपको जगाने हम जरूर आएंगे। नमस्कार।